हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो जैसे कि आप सभी लोग अभी जान ही गए होंगे कि 2021 के आईपीएल में 9वां और 10वां टीम का एंट्री हो सकता है, मतलब मेगा ऑक्शन तो होने ही वाला है। तो मेगा ऑक्शन यानी सबसे बड़ा नीलामी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों को हम बहुत सारे नया नया टीमों में जाते हुए देख सकते हैं। और इस ऑक्शन में जो सबसे बड़ी बात है वो है सभी टीम अपने टीमों में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को सबसे पहले रिटेन कर सकता है और उसके बाद आरटीएम कार्ड की मदद से और 2 खिलाड़ी यानी टोटल 5 खिलाड़ियों को सबसे पहले अपने टीम में रख सकता है। और जो सभी खिलाड़ी है उन सभी को अपने टीमों से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मेगा ऑक्शन सभी टीमों के लिए बहुत ही मतलब वैल्यूएबल एक ऑक्शन होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में SRH यानी सनराइजर हैदराबाद की टीम के रिटेन्ड RTM और रिलीज्ड प्लेयर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले भी मैं सभी टीमों का रिटेन्ड RTM और रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात किया हूँ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। और इन सभी वीडियो को अगर आप लोगों को देखना हो तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर भी आप लोग ये सब वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सनराइज हैदराबाद की टीम के रिटेन्ड प्लेयर्स की हम बात करें तो रिटेन्ड प्लेयर्स के लिस्ट में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है इस टीम का कैप्टन डेविड वार्नर। ये खिलाड़ी को सबसे पहले रिटेन किया जाएगा वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है ये खिलाड़ी। और उसके साथ राशिद खान को भी रिटेन किया जाने वाला है, क्योंकि राशिद करामती खान बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉल करता है और इस टीम में ये खिलाड़ी बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी है। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार को भी रखना चाहिए मुझे तो लगता है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक इंडियन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और इनको रखने भी वाला है सनराइज हैदराबाद के टीम मैनेजमेंट। तो उसके बाद अगर RTM प्लेयर्स की बात करें तो RTM कार्ड का यूज करके सबसे पहले टी नटराजन को सनराइज हैदराबाद अपने टीम में लेने वाला है, ये तो पूरा कन्फर्म है। और उसके बाद केन विलियमसन को भी सनराइज हैदराबाद अपने टीम में रखने वाला है RTM कार्ड का यूज करके। तो उसके बाद अगर हम रिलीज्ड प्लेयर्स की बात करें तो रिलीज्ड प्लेयर्स में भी बहुत ही बड़ा बड़ा नाम आता है सनराइज हैदराबाद के टीम में से। तो सबसे पहले अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी के लिस्ट में नाम आता है प्रियम गार्ग, अब्दुल समद, मनीष पांडे, रिद्धिमान शाह, अभिषेक शर्मा, विजय शंकर, बेसिल थम्पी, संदीप शर्मा, खलील अहमद और लास्टली सिद्धार्थ कौल जैसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया भारतीय खिलाड़ी। और उसके साथ मतलब विदेशी खिलाड़ी भी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया विदेशी खिलाड़ी भी इस टीम से रिलीज होने वाला है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं जॉनी बेयरस्टो, फरविन एलन, मिचेल मार्श, मोहम्मद नबी, बिली स्टैनलेक और लास्टली जेसन होल्डर जैसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी लोग इस टीम से रिलीज होने वाला है 2021 के IPL के मेगा ऑक्शन के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्लेयर्स को सनराइज हैदराबाद के टीम मैनेजमेंट अपने टीम में रिटेन करने वाला है और कौन सा प्लेयर्स को छोड़ देने वाला है? तो वो अगर आप लोगों को पूरा पता हो तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी वीडियो और भी डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।